सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी, स्वागत करती हूँ आप सभी का साई गीता चैनल में। नमस्कार, जय साई राम। लीजिए, फिर हाजिर हूँ एक नए अनुभव के साथ, क्योंकि मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। शायद आपको भी लगता हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, एक अपने जीवन का अनुभव और आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार मैं अपने घर से, यमुना विहार से अपनी मम्मी के घर किंग्सवे कैंप जा रही थी। कम से कम 15-20 साल पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ। तो ड्यूटी के बाद मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही थी, बस में बैठी थी। उन दिनों 20 साल पहले मुझे ना बाबा को बहुत जुनून था। जुनून समझ रहे हो ना, कि घर से निकलूं तो मैं जिधर भी देखूं मुझे साईं नज़र आए, ये जुनून था। आप सोचेंगे अब नहीं है, अब मुझे पता लग गया बाबा मेरे अंदर ही हैं, बाबा मेरे साथ ही हैं। तो अब एहसास हो गया कि मेरे साथ हैं। लेकिन उस समय मुझे बस ये लगता था कि मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मेरी नज़रें ऐसे ही रहती थी कि बाबा मुझे कहीं नज़र आए, और बहुत अच्छा लगता था, नज़र आते भी थे, या मुझे साईं राम लिखा हुआ कहीं नज़र आ जाए तो उससे मुझे राहत मिलती थी। तो उस दिन जब मैं बस में बैठी थी, करीब 40 मिनट का रास्ता होगा मेरे घर से मेरी मम्मी के घर का, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं पूरे रास्ते खिड़की से बाहर झांकती रही कि किसी बस पर, किसी स्कूटर पर, किसी पर लिखा हुआ जय साईं राम मुझे मिल जाए, या कहीं पर बाबा की फ़ोटो दिख जाए, छोटी सी दिख जाए, नहीं दिख रही थी। बहुत परेशान अंदर से, पूरी बस को मैं ड्राइवर की सीट से लेकर के पूरी में नज़र घुमा रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा ना दिखें, ज़रूर मुझे मिलेंगे। लेकिन उस दिन नहीं मिले, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था बाबा जी के ऊपर कि बाबा जी आपने तो ये कहा यदि कोई भक्त मुझे हृदय से पुकारेगा मैं अविलंब हाजिर हो जाऊँगा। अब तो बाबा आधा घंटा हो गया, आप तो दर्शन नहीं दे रहे हो मुझे, तो क्या मैं आज बिना दर्शन के ही उतर जाऊँ? तो थोड़ी देर में खालसा कॉलेज आ गया। खालसा कॉलेज से कुछ बच्चे कॉलेज के चढ़े, तो उनमें से एक दो कॉलेज की लड़कियाँ भी थी, और वो लड़कियाँ मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। मैं बैठी थी सीट पर और वो सीट को, डंडे को इस तरह पकड़ करके खड़ी हो गई। तो अब एक लड़की का, बच्चे का लॉकेट मेरे माथे पे लगे जा रहा, और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं बार बार उसको ऐसे हटा देती थी, वो फिर आकर लग जाता था, मैं फिर हटा देती थी। तो जब मैं उतरने वाली थी, मैंने अपने मन में बाबा से कहा, बाबा अब मैं उतर रही हूँ अगले स्टैंड पर, और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पहली बार आपके दर्शन बिना किए उतरूँ क्या? ऐसे बोल के जैसे मैं यूँ उठने लगी, तो उस लड़की का इतना बड़ा लॉकेट मेरे को बहुत तेज लगा। फिर मैंने गुस्से में ऊपर की तरफ देखा, मेरा मन हुआ कि मैं इस लड़की को डांटूं कि देख रही हो कब से मेरे सिर पे लग रहा है, तो कम से कम इसको अंदर डाल लो भाई, दूसरे को परेशानी हो रही है। तो जैसे मैंने उसको यूं करके गुस्से में देखा, गुस्सा तो पता नहीं कहाँ, क्यों इतना प्यारा वो लैकेट, इतना बड़ा लॉकेट, और उसमें ऑरेंज कलर के बड़े सुंदर बाबा। मान लो कह रहे थे कि मुझ पर गुस्सा हो रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ देख 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 मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन देख नहीं रही है। तो बाबा ने मुझे दर्शन देकर उतारा, और मुझे बार बार आगाह कर रहे थे, बार बार लग रहा था लॉकेट, तो मैं ही लापरवाह थी शायद, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने मेरी वो बात सुन ली और मुझे दर्शन देकर ही उतारा। तो साथियों, आपको ये अच्छा लगा होगा अनुभव, अनुभव तो सब अच्छे ही होते हैं, है ना? चलिए फिर चलती हूँ, फिर जल्दी मिलती हूँ किसी दूसरी वार्ता के साथ। धन्यवाद।